हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हेमंत शुक्ला। वेलकम टू एग्जाम्स तैयारी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th की न्यू बोर्ड स्कीम आई है सेशन 2021-22 की, सीबीएसई ने लॉन्च की है और एग्जाम पैटर्न लॉन्च किया है। यहां पर सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों के बीच में ये डाउट है कि ये एग्जाम पैटर्न सिर्फ इसी साल के लिए है, लेकिन नहीं। सीबीएसई ने जो एग्जाम पैटर्न लॉन्च किया है, मेक इट श्योर कि ये एग्जाम पैटर्न आगे फ्यूचर में भी यही रहेगा। अब एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस क्या है? अभी तक जो आप एग्जाम देते थे, जिस तरीके से एग्जाम देते थे, आपके 12th में 70 मार्क्स का एग्जाम होता था, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते थे। सो 12th में जो 70 मार्क्स का आप एग्जाम देते थे, वो 70 मार्क्स का एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 35 मार्क्स 35 मार्क्स। किस तरीके से? लेट्स सी नाउ। एकेडमिक सेशन 21 एंड 22, एज यू नो, ड्यू टू कोविड वी हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस इन द एजुकेशन सिस्टम, और आप लोगों को भी पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। देखिए, फर्स्ट टर्म, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला कि यहां पर दो टर्म होंगे, टर्म वन और टर्म टू। जो टर्म वन होगा वो 35 मार्क्स का होगा, टर्म टू जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा। साथ में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे होता है वही होगा 30 मार्क्स का। नाउ ये जो 35 मार्क्स का टर्म वन है, इसे बाइफरकेट कर दिया गया। बाइफरकेट का मतलब क्या, पहले ये समझिए। बाइफरकेट का मतलब ये है कि जिस तरीके से क्लास 11th का सिलेबस सिर्फ आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, इसके बाद क्लास 12th में उस सिलेबस से कुछ भी नहीं पूछा जाता है आपसे, उसी तरीके से क्लास 12th में इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट का मतलब ये कि फर्स्ट टर्म के ये 35 मार्क्स का जो सिलेबस आप पढ़ेंगे, इस पर जो टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद जब सेकेंड टेस्ट पे आप आएंगे तो सेकेंड टेस्ट में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस फर्स्ट टेस्ट से, और सेकेंड टेस्ट के सिलेबस से कुछ भी नहीं आएगा फर्स्ट टेस्ट में। तो ये दोनों बाइफरकेटेड हैं, अलग अलग हैं, इनका कोई भी लिंक नहीं है एक दूसरे से। सिलेबस क्या होगा? अप्रॉक्सिमेटली 50% सिलेबस की आ चुकी है लिस्ट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम कब होगा? नवंबर एंड दिसंबर। बच्चे कंफ्यूज ना हो, बोर्ड कम से कम 8 वीक्स का टाइम देगा, 8 हफ्ते का टाइम, मींस नवंबर 1st से स्टार्ट होकर 31st दिसंबर तक का टाइम देगा। रीजन बिहाइंड कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है और प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो इसीलिए उनकी प्रॉपर फैसिलिटीज को अपडेट कराने के लिए एटलीस्ट 8 वीक का टाइम दिया जाएगा। नाउ सेकेंडली, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होगा? 90 मिनट का एग्जाम होगा, और जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो पूरा एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू का मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और उस पर 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान रहे, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सीबीएसई की तरफ से। दूसरी बात, एमसीक्यू होंगे, केस बेस्ड होंगे और रीजन असर्शन होंगे। अगर आपने लास्ट ईयर का सीबीएसई की नोटिफिकेशन देखी हो तो, और नहीं देखी हो तो मैं बताता हूं कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर से यह चीज लॉन्च की है कि रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी डालना शुरू कर दिया है। मतलब एक क्वेश्चन आएगा रीजन और उसका असर्शन आएगा, और उसके ऊपर पूछा जाएगा कि रीजन सही है या असर्शन सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। इसके बेस पे हम लोग एक नई सीरीज लेके आएंगे बहुत जल्दी, रीजन और असर्शन बेस सीरीज। क्लास 12th के हर चैप्टर के ऊपर पूरा टर्म वन कंप्लीट करते हुए हम लोग वो सीरीज लेके आएंगे बहुत जल्दी। नाउ क्वेश्चन टाइप रीजन असर्शन बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। हु विल प्रिपेयर द पेपर, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हम अपने ट्यूशन टीचर के पास चले जाए, उन्हीं को पेपर पता होगा, स्कूल टीचर को ही पेपर पता होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। पेपर विल बी प्रिपेयर्ड बाय सीबीएसई, सिंपली पेपर विल बी प्रिपेयर्ड बाय सीबीएसई, करेक्शन विल बी डन बाय सीबीएसई। एक ओएमआर शीट आएगी, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है, जैसे जेई में आती है, जैसे नीट में आती है, वैसे एक ओएमआर शीट आएगी। उस ओएमआर शीट में आप ऑप्शंस मार्क करोगे और वो ओएमआर शीट ऑन दैट डे ओनली अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट के पोर्टल पे। सीबीएसई एक अलग से पोर्टल बनाएगा स्टूडेंट्स का, और उस
पोर्टल पे हर एक स्टूडेंट की एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर वे में, एक मतलब आप समझ रहे ना कि हर एक स्टूडेंट की एक सेगमेंट होगा, एक सेगमेंट होगा, उस सेगमेंट में रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन पे ओएमआर शीट अपलोड होगी और फिर ये ओएमआर शीट सीबीएसई से चेक होगी, वहीं पर आपके इंटरनल टेस्ट के भी मार्क्स अपलोड होंगे। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आई है सामने खुल के, जो बच्चे डमी एडमिशन लेते थे, साल भर स्कूल नहीं जाते थे और लास्ट में जाकर पेपर देते थे, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो प्रॉब्लम क्या है देखते हैं अभी, आगे समझते हैं। नाउ एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, सबसे बड़ी बात, कोई भी इंटरनल एग्जामिनर नहीं होगा वहां पर, एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट होगा। अगर इंटरनल एग्जामिनर होगा भी तो एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट विल बी गोइंग टू सुपरवाइज इट, और ऑब्जर्वर होगा एक सीबीएसई के द्वारा अपॉइंट किया हुआ। ऑब्जर्वर का मतलब ये कि किसी सीबीएसई स्कूल का प्रिंसिपल होगा, वो ये चीज चेक करेगा कि वेदर द थिंग्स आर गोइंग ऑल राइट और नॉट, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, कोई अनफेयर मींस तो यूज नहीं हुई हमारे पास। नाउ दिस वॉज द टर्म वन, ये टर्म वन की बात थी, ठीक है। टर्म टू की बात देखते हैं, टर्म टू क्या कहता है, टर्म टू में भी 50% सिलेबस होगा और पेपर मार्च अप्रैल में, जैसे मार्च अप्रैल में अभी तक पेपर होते थे बिल्कुल वैसे ही मार्च अप्रैल में पेपर होंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन पेपर जो 3 घंटे का आपका होता था, यहां पर जो 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता था, वो 3 आवर्स की जगह आपका 2 घंटे का हो गया। क्या हो गया, वो 3 आवर्स की जगह आपका 2 घंटे का हो गया। Now, अभी ये और 90 मिनट वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं क्या है। इसके बाद क्वेश्चन किस टाइप का होगा, केस बेस स्टडी होगी। केस बेस मतलब आपको कोई केस दे दिया कि ऐसा ऐसा केस है, इसके ऊपर क्या होगा, सिचुएशन बेस्ड होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप मतलब डेरिवेशन, जैसी डेरिवेशन, अब पार्ट वन में कोई भी डेरिवेशन आने के चांसेस ही नहीं है, लॉन्ग डेरिवेशन कोई भी आने के चांसेस नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जैसे डेरिवेशन है, डाइपोल की डेरिवेशन, इलेक्ट्रोस्टैट की डेरिवेशन, ये कोई भी आने के चांसेस नहीं है, है ना। यहां पर क्या होंगे, डेरिवेशन भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएंगे, शॉर्ट आंसर भी आएंगे, केस बेस्ड स्टडी आएगा, सब कुछ जैसा पेपर होता था अभी तक बिल्कुल वैसा ही पेपर होगा। बस फर्क ये होगा कि ये सिर्फ 35 मार्क्स का होगा और 3 घंटे की जगह ये 2 घंटे में होगा। यहां पर एक दूसरा क्लॉज डाला हुआ है कि मान लीजिए कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जैसे इस बार हुई थी। इस बार क्या हुआ था कि हमारे पास नवंबर दिसंबर में सिचुएशन सही थी और मार्च अप्रैल आते आते सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। और अगर कभी ऐसा होता है कि मार्च अप्रैल आते आते सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, या हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर ले सकते हैं, तो फिर ऑफलाइन एग्जाम या ऑनलाइन एग्जाम होगा 90 मिनट का। और ये एग्जाम भी कैसा होगा, फर्स्ट एग्जाम जैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एमसीक्यू बेस्ड सेम एज द टर्म वन, लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब कोविड की सिचुएशन बहुत खराब होगी। अगर कोविड की सिचुएशन खत्म हो जाती है तो ये आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई, यहां पर भी पेपर कौन बनाएगा, सीबीएसई बनाएगा। आंसर एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन का मतलब ये कि अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो जैसे आप कॉपी में एग्जाम लिखते हो, जैसे अभी तक बोर्ड का पेपर होता था, बिल्कुल उसी कंडीशन में होगा। लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है कोविड की वजह से, तो फिर वही ओएमआर शीट वाला कॉन्सेप्ट आएगा और फिर एमसीक्यू पेपर होगा आपका, ठीक है। कंडक्शन सेम, एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा कोई टीचर, और इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल होगा सीबीएसई का, ऑब्जर्वर बन के आएगा और इस तरीके से वर्क करेगा। अब ये तो पैटर्न हो गया कि इस पैटर्न पे एग्जाम होगा, लेकिन अब सीबीएसई पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है इस बार। किस तरीके से आया हुआ है, सीबीएसई ने ये किया है कि सीबीएसई ने सोचा कि अगर मान लीजिए कंडीशंस हमारी और खराब होती हैं या अच्छी होती हैं या जो भी होती हैं, तो किन तैयारियों के साथ आया है वो देखते हैं अपन जरा। कॉन्ट्रीब्यूशन इन ओवरऑल स्कोर, ये है सीबीएसई की पूरी तैयारी। पहली तैयारी क्या है, पेंडेमिक कंडीशन इंप्रूव्स एंड बोथ एग्जाम टू बी हेल्ड ऑफलाइन। पहली कंडीशन ये है कि भाई पेंडेमिक कंडीशन जो है कोविड की वो बिल्कुल सही हो जाती है और दोनों एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, तो हमारे पास इक्वल वेटेज होगा। इक्वल वेटेज का मतलब 35 मार्क्स और 35 मार्क्स, दोनों 35 मार्क्स के हो जाएंगे और इक्वल वेटेज में आ जाएंगी चीजें,
कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, टर्म वन ऑनलाइन एग्जाम एंड टर्म टू ऑफलाइन एग्जाम। अब यहां पर सेकंड वेटेज में क्या आता है, इनका कहना ये, पहले तो सीबीएसई ये बोल रहा है कि आप टर्म वन एग्जाम जो एमसीक्यू वाला होगा वो भी ऑफलाइन होगा और टर्म टू जो थ्योरी वाला होगा वो भी ऑफलाइन होगा। पहली कंडीशन ऑफलाइन ही होना है, लेकिन मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर तक सिचुएशन खराब हो जाती है और जो हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ना हो पाए या एमसीक्यू वाला एग्जामिनेशन ऑफलाइन ना हो पाए और उसके लिए हमें ऑनलाइन मोड पे जाना पड़े, तो जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर जाएगा, जो एग्जामिनेशन बच्चे ऑफलाइन नहीं देंगे, उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। अब कितना कम किया जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं किया, इसको क्लियर नहीं किया इन लोगों ने, उसका वेटेज क्या हो जाएगा, हो सकता है 40-60 हो जाए या हो सकता है 30-70 हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा उसका वेटेज कम हो जाएगा और जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा उसका वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है टर्म वन का ऑफलाइन हो जाए और जैसे इस बार मार्च अप्रैल में कंडीशन खराब हो गई थी, टर्म टू का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो तो टर्म टू का वेटेज कम कर दिया जाएगा, टर्म वन का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इसी के एडवर्स कंडीशन में क्या, मान लीजिए टर्म वन में कंडीशंस खराब है और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो टर्म वन का वेटेज कम कर दिया जाएगा और टर्म टू का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है, मतलब सीधी सी बात है कि ऑफलाइन एग्जाम को इन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी है इन कॉम्प्लिकेशन विद दी ऑनलाइन एग्जाम, तो ऑनलाइन एग्जाम जो भी होगा उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। अब एक कंडीशन इन्होंने ये भी मान के चलते हैं कि हम दोनों में से कोई भी एग्जाम ऑफलाइन नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये ध्यान दें। प्रैक्टिकल हो गया जैसे फिजिक्स में आपका प्रोजेक्ट हो गया, बायो में आपका प्रोजेक्ट हो गया, केमिस्ट्री में आपका प्रोजेक्ट हो गया, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो इंटरनल असेसमेंट हो गया, अब इंटरनल असेसमेंट कैसे देंगे, सीबीएसई ने इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है एंड ऑफ द टॉपिक यूनिट टेस्ट। मतलब जैसे इलेक्ट्रो स्टार्ट है आपकी पहली यूनिट, जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो सारे टीचर्स इसका टेस्ट लेंगे। कैसा टेस्ट लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट या थ्योरेटिकल टेस्ट, जो भी पॉसिबल हो सकता है, और ये एंड ऑफ द टॉपिक टेस्ट की एक शीट बनेगी और उस शीट पे जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बच्चे डमी लेके बैठ जाते थे, जो बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं करते थे साल भर और वो सोचते थे हम एट द एंड ऑफ द ईयर जाके पेपर दे देंगे और मार्क्स ले आएंगे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एट द एंड ऑफ द हर यूनिट टेस्ट अगर आपने मार्क पेपर नहीं दिया है तो वहां पर आपको जीरो मिलेगा। तो आपको यूनिट टेस्ट के एंड पर टेस्ट देना ही देना है और उसमें ओवरऑल अच्छा स्कोर करना ही है, तभी आपका इंटरनल असेसमेंट ज्यादा अच्छा बनेगा जाके। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज ये पहले भी थी सीबीएसई में, एक्टिविटीज फिजिक्स में भी थी, केमिस्ट्री में भी थी, बायोलॉजी में भी थी। नाउ प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले ही 30 मार्क्स के हैं, सेट है वो। प्रोजेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ऑलरेडी, एक्टिविटीज में इंग्लिश में भी लिसनिंग एक्टिविटीज है, स्पीकिंग एक्टिविटीज है, तो ये एज यूजुअल चलेगा। लेकिन बस यहां पर एक कंसर्न इन्होंने इंक्लूड किया, एंड ऑफ द टॉपिक टेस्ट। तो अब मेरे ख्याल से ये अच्छा भी किया है क्योंकि बच्चा हर एक टॉपिक को एक अच्छी तरीके से पढ़ेगा और तभी उसका पेपर देने जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एंड ऑफ द टॉपिक टेस्ट होता है वो एक तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम है, एक नॉर्मल टेस्ट नहीं है, वो आपका बोर्ड एग्जाम है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट बैक करेगा आपके बोर्ड एग्जाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। अब बात आती है कि सीबीएसई ने लॉन्च किया है सिलेबस कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, मतलब जो नवंबर दिसंबर में एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास डेरिवेशंस आ गई, तो उन डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो तो हमारे यूज में आएगा, लेकिन उन डेरिवेशन पूछी नहीं जाएगी कहीं, कहीं आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ड्राइव द वर्क डन। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेटिज्म में क्या होगा, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको सिर्फ एक बार स्टडी करना है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और
ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट में जरूर कुछ डेरिवेशंस बनती हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, लेकिन ये भी आराम से कंडीशनली हो जाएगा ये चैप्टर। तो मेरे ख्याल से ये पूरा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड पोर्शन है जिसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट देना है। क्या देना आपको? सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट। अब आते हैं टर्म टू की तरफ। टर्म टू में सिलेबस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, वेटेज भी अच्छा है इसका। और टर्म टू में वेटेज आप देख सकते हैं 17 मार्क्स का है विद रे ऑप्टिक्स। यहां पर आपको डेरिवेशंस मिलेंगी अच्छी सी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। ये आपके बनेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जाके, यहां पर आपको डेरिवेशंस मिलेंगी अच्छी सी और आपको रीजन और असर्शन भी खूब मिलेंगे, क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स जो यूनिट है वो सेकेंड बुक की सबसे पावरफुल यूनिट है, दमदार यूनिट है। अगर कभी भी कठिन क्वेश्चन कहीं से भी बन के आएगा तो मेरे ख्याल से इस यूनिट से ही बन के आएगा। नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी एक बार पढ़ा होगा इसको। एटम एंड न्यूक्ली, अगेन सेम, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें भी डेरिवेशन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े बनेंगे, इसीलिए इंटेंशनली इस पार्ट को हमने थ्योरेटिकल वाले पार्ट में रखा, क्योंकि हमारे पास थ्योरी में कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर, ये सबसे अच्छा चैप्टर है, 7 मार्क्स कंटेन करता है। अगर सिर्फ इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, और इसमें से 7 मार्क्स डेफिनेटली बच्चा स्कोर आउट कर लेता है। इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स वेरी सून। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक कि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल बी बैक सून, एंड द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन दिस डिस्क्रिप्शन। सो गो विद दैट एंड एंजॉय योर स्टडीज। वी विल ब्रिंग यू स्टडी इन अ फ्रेम ऑफ एंजॉयमेंट, नॉट इन अ फ्रेम ऑफ बर्डन। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट for the new session.